Hi everyone, to तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हमारा जीके का नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट करेंगे विच इज हिस्ट्री इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी आपको उसकी प्लेलिस्ट मेरी चैनल पर मिल जाएगी तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू मैं इस कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके जेके एस सुपरवाइजर एग्जाम के जिसमें स्पेशलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर हो गया है एंड करंटली स्पेशलाइजेशन की आपकी रिविजन सीरीज चल रही है एंड रिविजन सीरीज रिविजन कम मैराथन लेक्चर्स चल रहे हैं ठीक है जिसमें हम एक दो वीडियोज में आपका एक एक यूनिट फिनिश करें करेंगे एंड इसके साथ ही आपकी जो एम सी क्यू वाली सीरीज है वो भी आपके साथ साथ ही चलेगी ठीक है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं या अगर आप यूपीएससी स्टेट पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इस पे मेरा एक यूपीएससी सोशियोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी नाम से उसकी प्लेलिस्ट भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं ठीक है या आप आ, मुझे आ, आप चाहें तो वॉलेंटरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे चैनल की तरफ उसके लिए आपको मेरा यूपीआई आई डी सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन से भी मेरा यूपीआई आई देख सकते हैं तो ये मेरा प्रोफाइल है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हिस्ट्री वाला पार्ट देखो हिस्ट्री में आपका सिलेबस है आपको वहां पे लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज एंड लास्ट में लिखा है फ्रीडम मूवमेंट ठीक है तो बेसिकली हमें इसमें क्या कवर करना है इंडियन हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक आपका एंशंट है एक आपका मिडीवियल है एंड एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री है तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट है ये दरअसल आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है ठीक है तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं प्लस जो कल्चर हेरिटेज वाला पार्ट है इसमें आपको थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो ये सारा मैं इसमें कवर करवाऊंगी आपको ठीक है हम वन बाय वन चलेंगे देखो ये जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री ये बहुत लंबा टॉपिक है जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट में आपको सिंपल सा लिखा हुआ है इतना सिंपल ही ऐसा नहीं होता है आपको थ्री मंथ इसी सारे कोर्स के साथ लग जाएंगे कवर करने के लिए अगर हम इसको वैसे कवर करने बैठेंगे तो हमें याद रखना है कि ये हमारे एक जीके का एक कंपोनेंट का पार्ट है ठीक है जो कितने मार्क्स का है ट्वेंटी मार्क्स का तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है पर हाँ जहाँ पे डिटेल कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा हम इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर करेंगे फाइन तो काफी फायदे वाले लेक्चर्स होने वाले हैं ये आपके लिए तो आप इसको मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप ये सारी सीरीज देखेंगे जीके की एंड आपको क्या करना है आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है काफी कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि अभी तक उनको मेरी चैनल के बारे में पता नहीं था अब उनको मेरी चैनल के बारे में पता चल रहा है तो आपको क्या करना है इस वजह से आपको अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप्स में मेरी चैनल को शेयर करना है ताकि वो बेनिफिट इससे हो सके तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा वाला पार्ट फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट हम वहां से स्टार्ट करेंगे पहले ठीक है थोड़ा आपका ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम एंशंट मिडिवल करेंगे मैं पहले फ्रीडम मूवमेंट क्यों करवा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने टेंथ में एथ स्टैंडर्ड में सुनी होती है हमने पढ़ी होती है हिस्ट्री की तो थोड़ा बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग से आप एंशेंट पढ़ोगे तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है इसीलिए हम स्टार्ट हमारे फ्रीडम मूवमेंट से करेंगे ठीक है तो आपको इसमें देखना क्या है फ्रीडम मूवमेंट हम यूजुअली ट्रेस कहाँ से करते हैं हम इसको ट्रेस करते हैं जो रिवॉल्ट ऑफ 1858 हुआ था वहां से लेकर आपके आज़ादी इंडिपेंडेंस टाइम 1947 तक हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आपको पता है क्या याद रखना होता है हिस्ट्री में आपको एक क्रोनोलॉजी याद रखनी होती है क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्रोनोलॉजी में चीजें याद रखने से क्या होगा उससे आपका रिविजन ईजी हो जाता है पहली बात तो जब चीजें रिकॉल करने की कोशिश करते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऐसा नहीं लगता आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन ऐसी जंबल जैसी हो गई है एक स्ट्रीमलाइन एक तरीके से सारी जो इंफॉर्मेशन होती है आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए हिस्ट्री में कि पहले साल ये हुआ था फिर उसके बाद ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ ऐसे करके आप क्विकली एग्जाम से पहले ये चीजें जो है वो कुछ ही घंटे में आपके सारा कंपोनेंट फिर रिवाइज हो जाता है फाइन तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स तो हम क्या करेंगे जो हमें चीजें यहाँ पे पढ़नी है हम उसका एक टाइमलाइन बनाएंगे और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वो चीजें बताऊंगी तो पहले हमने मैंने आपको बोला मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्या कॉम्पोनेंट है फ्रीडम मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ठीक है वो 1858 उसके बाद एक्ट आया था लेकिन जो रिवॉल्ट है उसको हम ट्रेस करते हैं एटीन से तो रिवॉल्ट एटीन टू नाइनटीन ये हमारा जो है ईयर का टाइम रहेगी इसी के बिटवीन के जो ईयर है वो हमें देखने हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे तो पहली चीज 1857 का रिवोल्ट हुआ था ठीक है पहले ये हो गया रिवोल्ट उसके बाद हमें ये याद रखना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी थी 1885 में ये फिर हम रिवॉल्ट अभी पढ़ेंगे थोड़ा आगे मैं आपको सिर्फ अभी टाइमलाइन बता रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी 1885 में तो रिवॉल्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम प्री कांग्रेस या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं फिर हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी और इनके लीडर्स ये हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है पर एटलीस्ट आपको इनके नाम एंड इनके लीडर्स पता होने चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ जाए ठीक है फिर हम ये देखेंगे उसके बाद ये हुआ आपका 1885 फिर जो कांग्रेस आया था 1885 में उसके बाद का से लेकर 1947 तक उसको हम थ्री फेजेस में डिवाइड करते हैं पहले वाले फेज को हम बोलते हैं मॉडरेट फेज ये आप साथ साथ लिख लो ठीक है मॉडरेट फेज ये आया था 1885 से 1905 तक फिर आपका आया था एक्सट्रीमिस्ट फेज नाइनटीन हंड्रेड फाइव से नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटीन तक एंड लास्टली योर हो गांधी फेज 1917 से 1947 तक तो और फाइनली क्या हुई थी आपको आजादी मिली थी हमें आजादी मिली थी तो ये तीन फेजेस फेजे ठीक थी। है इसके बीच में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट जो हुआ था एक दो इवेंट्स वो भी हम देख लेते हैं अब हमें इन्हीं को क्या करना है तोड़ के पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है ऐसे आपको क्या रहेगा ये जब आप नोटबुक पे भी ये सारे नोट्स मेरे साथ साथ बनाओगे मैं चाहती तो पहले से बोर्ड पे ये बना के लिख सकती थी बट मुझे लगता है उससे ज्यादा फायदेमंद ये होगा कि मैं भी आपके साथ साथ लिखूं ताकि आपको भी फिर नोट्स बनाने का टाइम मिले ठीक है एंड ये भी आपको पता है नोट कैसे बनाने तो इसे टाइम लाइन से आपको ओवरव्यू रहेगा अब हमें क्या पढ़ना है हिस्ट्री में यू वोट फील लॉस्ट की हम कहाँ से आए थे और कहा जा रहे हैं ठीक है एंड देन ये ऐसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है ये मैंने आपको कहा पहले ये जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड आपका जो गांधी फेज था और भी फेजेस कुछ बीच में इंपॉर्टेंट थे जो हमें देखने हैं दैट इज योर रेवल्यूशनरी नेशनलिज्म इसको हम दो फेजेस में पढ़ते हैं फेज वन था आपका ईयर 1907 से 1917 तक एंड सेकेंड वन वाज 1923 से 1931 तक ठीक है और आपका एक इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ इवेंट जो बीच में एक इम्पोर्टेंट चीज हुई थी दैट इज अ होम रूल मूवमेंट ये सारे मैंने जो की पॉइंट्स जहां से आपके क्वेश्चन फैक्चुअल बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं वो वाले की पॉइंट्स पकड़े हैं एंड उनके इयर जो मैं पर क्रोनोलॉजिकली बता रही हूँ ताकि आपको समझने में एंड रिविजन करने में कल को आसानी हो जाए ठीक है एंड कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिस हमें डिटेल में सारे एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं लेकिन किसी एक्ट में जो जो कोई की आया होगा जैसे मॉडलिमेंटोरिफॉर्म एक एक्ट आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरिट्स की बात हुई थी ऐसा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट की होगा वो मैं आपको बताऊंगी इसमें ठीक है वो हम साथ साथ ही देख लेंगे उसमें आप ये कंफ्यूज नहीं होना अगर किसी को पहले से ये चीजें पता है तो आप ये नहीं सोचना कि मैम ने वो छोड़ दिया है ठीक है तो फ्रीडम एक बार रिवाइज करते हैं हमने मैंने आपको क्या बोला हमें स्टार्ट करना है 1857 का जो वॉर हुआ था रिवोल्ट हुआ था उससे लेकर 1947 तक तो 1857 से हम स्टार्ट करेंगे फिर हम चलेंगे प्री कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी एंड उनकी लीडरशिप हमें देखनी है इसमें ठीक है उसके बाद आई स्टार्ट हुआ था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उसको हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं मॉडरेट फेज आया था एक्सट्रीमिस्ट फेज आया था गांधी फेज आया था ठीक है उसके बाद हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्मीन हंड्रेड से आपका 1931 तक, में एक थी, 1916 तो, 1917. तो ये सारी चीजें जो है हमें इसमें देखनी है तो पहले हम क्या करेंगे अब अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ इसका अब हम अपना मेन जो है पढ़ा, पढ़ना वो स्टार्ट करते हैं तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमें पता है हमें यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं हम उसकी कॉलोनी थे ठीक है इंडिया जो था अंडर कॉलोनियल रूल था वो 1700 में आए थे एज ट्रेडर्स लेकिन वो आए थे यहाँ पे ट्रेड के लिए सिर्फ 1700 में ठीक है लेकिन वो यहाँ आके क्या हो गए यहाँ सेटल हो गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनको मिल गए फिर उन्हें पॉलिटिकल पावर्स ले लिए कमर्शियल पावर्स सारे पावर्स जो हैं किसके पास चले गए ब्रिटिशर्स के पास एंड हम कंप्लीटली किसके अंडर आ गए कॉलोनियल रूल के अंडर तो स्टार्ट हुआ सेवन हंड्रेड से आपका एज ट्रेडर्स वो स्टार्टिंग में आए थे किसका ट्रेड मेजरली करने के लिए स्पाइस का तो ये थोड़ा सा बेसिक है इसका वहां आपको डिटेल में नहीं जाना हम हमें फोकस करना है फ्रीडम मूवमेंट पे तो उसके बाद क्या हुआ मुगल सब यहाँ पे थे पहले मुगल्स से उन्हें परमिशन लेके कहीं कहीं पे अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप की ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली उन्हें क्या किया अपना रूल जो है यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करी पहले एक चीज एक्वायर की फिर एक चीज ठीक है पहले कहीं पे फैक्ट्री सेटअप की फिर आहिस्ता ऐसा वो पासिस देने लगे वो टैक्सेस की बात करने लगे वो फिर लैंड से रेवेन्यू वगैरह जो है वो लेने लगे तो सारा कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप उनके हाथ में आ गया तो आपको ये याद रखना है इसमें ये जो कंपनी आई थी यहाँ पे सेवनटीन हंड्रेड में ट्रेड करने के लिए ये क्या थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के पर्पज से आई थी एंड ये प्राइवेट कंपनी थी ठीक है प्राइवेट कंपनी थी ये याद रख लेना हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है बेसिकली हुआ क्यों था ठीक है ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है ऐसे काफी रीजन थे इसका इकोनॉमिक रीजन था क्योंकि इकोनॉमिकली आप जो है बहुत बैकवर्ड हो गए थे बैकवर्ड इन द सेंस हुए थे यहाँ से सारे जो प्रॉफिट है वो कौन लेते थे ब्रिटिशर्स लेते थे ठीक है यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे वो अपने ऑफिसर्स को सैलरी देते थे तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहता था उनको जो यहाँ का अपनी इकोनॉमी थी क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी चलती थी हैंडीक्राफ्ट वाला यहाँ पे काम होता था वो सारे काम जो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो गए थे तो लोगों में गुस्सा था इकोनॉमिक रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे कि अब वो रूल तो कर रहे थे लेकिन साथ में इतनी ज्यादा करप्शन थी कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था ठीक है एंड आपको रिलीजियस रीजन भी मिलेंगे क्योंकि रिलीजियस लाइन पे भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी एंड इसका इमीडिएट कॉज जो है फाइनल ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ का वो एक रिलीजियस रीजन ही बना था उसका क्योंकि उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने एक कार्टेज कार्टरेज जो है वो लेके आए थे जो क्या करना होता है उनको राइफल में डालना पड़ता है ठीक है वो जो गोली जैसी होती है ना राइफल में डालनी होती है शूट करने के लिए उस वो जो गोली थी उसका जो ये था उसको पहले बाइट करना होता है उसमें राइफल में घुसाने से पहले लेकिन उसका जो कवर था उसको ग्रीस करते हैं उसकी ग्रीजिंग हुई होती है ठीक है उसको ग्रीस किया गया था पिग और काउ के फैट से तो ये हिंदूज के लिए भी चीज बर्दाश्त वाली नहीं थी ना मुस्लिम्स के लिए थी तो ये रीजन काफी जमा हो रहे थे इकोनॉमिक था रिलीजस के बाकी डिस्क्रिमिनेशन थे रेसिज्म था करप्शन थी ठीक है अब पॉलिटिकल रीजंस थे और जो सपॉइस थे जो वहाँ आप ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस काम करते थे वो उनके अंदर गुस्सा था काफ़ी रीजंस आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें जमा होती हैं फिर एक बार एक ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता है और इंसान बस फट जाता है कि इंसान बोलता है फिर सारी बातें पुरानी याद आती है ऐसा हुआ गलत ये हुआ वो हुआ तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला मैंने तो बस एक बात कही थी पर एक्चुअली हमारे अंदर इतना कुछ जमा हुआ होता है एंड एक ट्रिगर पॉइंट हमें मिलता है बाद में जिसके बाद फिर हमारा सेचुरेशन लेवल खत्म हो जाता है तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये काटरेज वाला इशू था ठीक है तो वो रिलीजियस रीजन था एंड जो सिपोय थे उनमें अंदर भी बहुत ज्यादा डिसकंटेंट थी उनको वहां पे रेसिज्म फेस करना पड़ता था वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे ठीक है एंड उनको सैलरी भी जो थी अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से कम मिलती थी उनके अलग अपने इशू चल रहे थे तो कई जो स्कॉलर्स हैं उस टाइम के उन्होंने इस वॉर को क्या बोला उन्होंने कहा बेसिकली कुछ नहीं है इस म्यूटिनी ही है ठीक है सिपॉय म्यूटिनी जो आपके आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर अगर कोई डिसकंटेंट हो जाएगा एंड वो क्या करते हैं बाद में उनका जो रिवॉल्ट होता है तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं तो कईयों ने कहा कि कई म्यूटिनी ही है लेकिन हमें याद रखना है हमारे वी डी सरवारकर ने इसको बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश की थी ठीक है ब्रिटिशर्स ने तो इसको फर्स्ट ऑफ भी बोला गया मैंने आपको कहा अभी जो आप याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल जो यहाँ बेसिकली आई थी कमर्शियल पर्पज से वो एक प्राइवेट कंपनी थी ठीक है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था लेकिन इसके बाद क्या हुआ था एंड इंग्लैंड में कौन सा रूल था इंग्लैंड में क्राउन रूल था क्वीन के पास सब कुछ था ठीक है तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ था जो क्वीन है वहां की इंग्लैंड की जो क्वीन थी उन्होंने पावर ले लिया था इंडिया का अपने हाथ में तो जो 1858 है उससे पहले हम बोलते हैं कंपनी रूल चल रहा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था एंड 1858 के बाद आपका कौन सा पावर आ गया क्राउन रूल आ गया तो क्वीन के पास डायरेक्टली पावर चला गया

तो मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कौन से थे और उनके लीडर्स कौन से थे उनके नाम आप लिख लो डेली लखनऊ कानपुर झांसी एंड आप बरेली भी लिख लो एंड बिहार लिख लो ठीक है इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम देखते हैं दिल्ली के थे बहादुर शाह जफर सेकेंड बहादुर शाह जफर सेकेंड और जनरल बख्त खान जनरल बख्त ठीक लखनऊ की थी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल एंड काहमदुल्ला फिर कानपुर के थे आपके लक्ष्मी भाई एंडिया तो झांसी हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है बेसिकली हुआ क्यों था ठीक है ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है ऐसे काफी रीजन्स थे इसका इकोनॉमिक रीजन था क्योंकि इकोनॉमिकली आप जो है बहुत बैकवर्ड हो गए थे बैकवर्ड इन द सेंस हुए थे यहाँ से सारे जो प्रॉफिट है वो कौन लेते थे ब्रिटिशर्स लेते थे ठीक है यहाँ का जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे वो अपने ऑफिसर्स को सैलरी देते थे तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहता था उनको जो यहाँ का अपनी इकोनॉमी थी क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी चलती थी हैंडीक्राफ्ट वाला यहाँ पे काम होता था वो सारे काम जो आहिस्ते आते खत्म हो गए थे तो लोगों में गुस्सा था इकोनॉमिक रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव थे कि रिलीजिय भी, भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी एंड इसका इमिडिएट कॉज जो है फाइनल ट्रिगरिंग पॉइंट रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो एक रिलीजियस रीजन ही बना था उसका क्योंकि उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने एक कार्टेज कार्टरेज जो है वो लेके आए थे जो क्या करना होता है उनको राइफल में डालना पड़ता है ठीक है वो जो गोली जैसी होती है ना राइफल में डाली होती है शूट करने के लिए उस वो जो गोली थी उसका जो ये था उसको पहले बाइट करना होता है उसमें राइफल में घुसाने से पहले लेकिन उसका जो कवर था उसको ग्रीस करते हैं उसकी ग्रीजिंग हुई होती है ठीक है उसको ग्रीस किया गया था पिग और काउ के फैट से तो ये हिंदू के लिए भी चीज़ बर्दाश्त वाली नहीं थी ना मुस्लिम्स के लिए थी तो ये रीजनस काफी जमा हो रहे थे इकोनॉमिक था रिलीजस के बाकी डिस्क्रिमिनेशन थे रेसिज्म था करप्शन थी ठीक है अब पॉलिटिकल रीजंस थे और जो सपॉय थे जो वहां आप ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस काम करते थे वो उनके अंदर गुस्सा था काफी रीजंस आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर काफी चीजें जमा होती हैं फिर एक बार एक ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता है और इंसान बस फट जाता है कि इंसान बोलता है फिर सारी बातें पुरानी याद आती है ऐसा हुआ गलत ये हुआ वो हुआ तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला मैंने तो बस एक बात कही थी पर एक्चुअली हमारे अंदर इतना कुछ जमा हुआ होता है एंड एक ट्रिगर पॉइंट हमें मिलता है बाद में जिसके बाद फिर हमारा सेचुकेशन लेवल खत्म हो जाता है तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये कार्टरेज वाला इशू था ठीक है तो वो रिलीजियस रीजन था एंड जो सिपॉइस थे उनमें अंदर भी बहुत ज्यादा डिसकंटेंट थी उनको वहां पर रेसिज्म फेस करना पड़ता था वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे ठीक है एंड उनको सैलरी भी जो थी अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से कम मिलती थी उनके अलग अपने इशू चल रहे थे तो कई जो स्कॉलर्स हैं उस टाइम के उन्होंने इस वॉर को क्या बोला उन्होंने कहा बेसिकली कुछ नहीं है इस म्यूटिनी ही है ठीक है सिपॉय म्यूटिनी जो आपके आर्मी के जो ऑफिशल होते हैं उनके अंदर अगर कोई डिसकंटेंट हो जाएगा एंड वो क्या करते हैं बाद में उनका जो रिवॉल्ट होता है तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं तो कई ने कहा कि सपॉय म्यूटिनी ही है लेकिन हमें याद रखना है हमारे वीडी सरवारकर ने इसको बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है क्योंकि इसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश की थी ठीक है ब्रिटिशर्स ने तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया वो वीडी सरवारकर ने बोला ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ था इसके कॉजेज इसके बाद क्या हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद मैंने आपको कहा अभी जो आप याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल जो यहाँ बेसिकली आई थी कमर्शियल पर्पज से वो एक प्राइवेट कंपनी थी ठीक है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था लेकिन इसके बाद क्या हुआ था एंड इंग्लैंड में कौन सा रूल था इंग्लैंड में क्राउन रूल था क्वीन के पास सब कुछ था ठीक है तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ था जो क्वीन है वहां की इंग्लैंड की जो क्वीन थी उन्होंने पावर ले लिया था इंडिया का अपने हाथ में तो जो 1858 है उससे पहले हम बोलते हैं कंपनी रूल चल रहा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था एंड 1858 के बाद आपका कौन सा पावर आ गया क्राउन रूल आ गया तो क्वीन के पास डायरेक्टली पावर चला गया इसका ठीक है तो ये एक बड़ी चेंज आई थी रिवोल्ट ऑफ एटीन के बाद तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर तो लिखने है नहीं कि आपको डिटेल में पता हो कॉजेस क्या थे कॉन्सिक्वेंस क्या थे आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिवजी तो हम देखेंगे जो मेन सेंटर्स थे रिवॉल्ट के वो कौन कौन से थे एंड उनका लीडर कौन था तो ये आप अपने नोट्स में लिखोगे अभी तक जो मैंने कॉजेज वगैरह बताया वो बस आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए थे तो मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट कौन से थे और उनके लीडर्स कौन से थे उनके नाम आप लिख लो डेली लखनऊ कानपुर झांसी एंड बरेली भी लिख लो एंड बिहार लिख लो ठीक है इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम देखते हैं डेली के थे बहादुर शाह जफर सेकेंड बहादुर शाह जफर सेकेंड और जनरल बख्त खान जनरल बख्त खान ठीक है लखनऊ की थी बेगम हजरत महल बेगम हजरत महल, बिरजीस, कादर एंड अहमदला। फिर कानपुर के थे आपके नाना साहब। और जानती है तोप, तोप यहाँ पे भी है इंजासी में भी है ठीक है। यू नो you know, रानी लक्ष्मी बाई रानी लक्ष्मी बाई एन तांत्या लास्ट में हम क्विक एक रिविजन भी करेंगे इसका जो हमने अभी तक पढ़ा एंड बरेली में थे आपके मौलवी लियाकत खान नहीं बरेली में मौलवी लियाकत खान नहीं थे आपके बरेली में थे खान बहादुर खान मौलवी लियात इलाहाबाद में थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है खान बहादुर खान एंड बिहार में थे आपके कुंवर सिंह ठीक है तो मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड उनके लीडर्स कौन से थे ये एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए फाइन तो ये एग्जाम में ये फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए काम आएगी तो ऐसे करके हम थोड़ा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे एंड देन हर टॉपिक का क्या फैक्चुअल है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगी वेरी तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं देखते हैं हमने अभी तक क्या किया हम स्टार्ट करें रिवॉल्ट ऑफ 1857 से उससे पहले मैंने कहा 1700s में यहाँ पे आए थे ठीक है वो आए थे यहाँ पे स्पाइस ट्रेड के लिए लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल कमर्शियल कंट्रोल जो है आईस्था उनके हाथ में आ गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी ठीक है जो एक प्राइवेट कंपनी थी वहां पे इंग्लैंड की तो इसके हमने देखे इकोनॉमिक थे एडमिनिस्ट्रेटिव थे रिलीजियस रिलीजियस वगैरह थे में हमने देखा मेन जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो कार्टरेज वाला इशू था जिसको उनको बाइट ऑफ करना पड़ता था उस कार्टरेज को उसमें यूज करने से पहले एंड वो जो कार्टरेज था उसको ग्रीस किया गया था काव या पिग फैट से काव एंड पिग फैट से तो मुस्लिम्स के लिए भी बर्दाश्त के बाहर था एंड हिंदूज के लिए भी तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना था इसका फाइन तो कई यूनेसो सिपॉय म्यूटी ने भी कहा कहा कि इस रीजन की वजह से क्या था क्योंकि के बीच में ही इतना डिसकंटेंट बढ़ गया था इस ट्रिगरिंग पॉइंट की वजह से इसीलिए उनकी ही लड़ाई थी लेकिन वीडी सलवारकर ने हमें कहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ठीक है तो एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको किसने कहा था या ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम किसको बोलते हैं तो किसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ एटीन को ठीक है उसके बाद क्या हुआ 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ ऑल तो उतना सक्सेसफुल इसको कई ने सक्सेसफुल बोला कहीं ने कहा कि उतना सक्सेसफुल नहीं था लेकिन इसके बाद एक एक्ट लाया गया रिवॉल्ट ऑफ 1858 एक्ट उसमें क्या हुआ इससे पहले मैंने आपको कहा प्राइवेट कंपनी थी तो उनके पास सारा रूल था लेकिन एटीन के बाद क्या हुआ ये जो सारा पावर है क्वीन ने अपने पास ले लिया इसीलिए एटीन के बाद हम कहते हैं यहाँ पे क्राउन रूल चला था क्राउन आपका ताज होता है ठीक है तो जो क्वीन थी उसके अंडर हमारा जो था अब कॉलोनी इंडिया की उसके अंडर आ गई थी तो फिर हमने देखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है मेन सेंटर्स क्या थे रिवॉल्ट के जहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज हुई थी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इस रिवॉल्ट की एंड उनके लीडर्स कौन से थे डेली लखनऊ कानपुर झांसी बरेलियन बिहार डेली में बहादुर शाह जफर सेकेंड क्योंकि वो मुगल के लास्ट एम्पेयर वहां रह गए थे और जब ये रिवॉल्ट हो रहा था मीरठ से स्टार्ट हुआ था सिपॉइज वहां से चले थे पहले और उनको था कि उनको वो डेली पहुंचना है तो डेली पहुंच कर उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा था कि जो हमारा बहादुर शाह जफर है वो लीडर ऑफ द रिवॉल्ट है उन्होंने इसको लीडर ऑफ रिवॉल्ट जो है वो खुद से ही प्रोक्लेम किया था ये मुगल के लास्ट लीडर थे जनरल बख्त खान लखनऊ से आप याद रखोगे बेगम हजरत महल मिर्जी कादर एंड अहमदुल्ला कानपुर नाना साहब एंड तांतिया तो फिर झांसी हमें पता है हमने बचपन से स्कूल में पढ़ा है रानी लक्ष्मी बाई एंड तांकिया तो बरेली इज योर खान बहादुर खान एंड बिहार इज कुंवर सिंह ठीक है तो ये था एटीन ऑफ सेवन जो आपके लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाला उसके बाद आया फिर एक्ट मैंने कहा एक्ट में जो एटीन फिफ्टी एक्ट का आया था उसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है एक्ट ऑफ 1858 इसको हम गुड गवर्नेंस अब मैंने आपको कहा आपको एक्ट डिटेल में नहीं पढ़ने हैं लेकिन जो जो फैक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बोलूंगी वो आप नोट्स में लिखते जाओगे गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 ठीक है एंड साथ साथ मैं आपको एक दो बार इसी वीडियो के अंदर भी चीजें रिवाइज कराती रहूंगी जिससे आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा ठीक है तो ये हुआ आपका रिवोल्ट uh, ऑफ 1858 नेक्स्ट हम चलते हैं हमने आपको कहा था कुछ कांग्रेस से पहले आने से पहले कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो हम देखेंगे ठीक है वो कौन कौन सी थी और उसके बाद से हम अपना जो मॉडरेट फेज है वो स्टार्ट करेंगे तो कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो हमें डिटेल में नहीं पढ़नी लेकिन उनमें भी आपको क्या याद रखना है उनमें आपको उनके नाम याद रखने हैं एंड आपको लीडर्स याद रखने हैं वो कौन कौन से थे तो स्टार्ट करते हैं पहले से पहला था आपका ये लिख लो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या प्री आईएनसी लिखो वैसे आपको ज्यादा याद रहेगा प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस तो पहली है लैंडलॉर्ड सोसाइटी ये एटीन थर्टी में हुई थी ये अगर आप नहीं भी याद रखना चाहो लेकिन एटलीस्ट नाम के साथ आप याद रखो द्वारका नाथ टैगोर की थी ये द्वारका नाथ टैगोर ठीक है सेकेंड वन मोज मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1850s में बनी थी बाय लक्ष्मी नरासू फिर थर्ड थी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसोसिएशन एटीन सिक्सटी 1866 बाय दादा भाई नेहरू जी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है क्योंकि दादा भाई नेहरू जी काफी इंपॉर्टेंट फिगर थे आपके इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है एंड इन्होंने काफी इम्पोर्टेंट, ये भी लिखी थी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नेहरू जी ठीक है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है एंड पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने लिखी थी एंड इकोनॉमिक ड्रेन कैसे यहाँ पे हो रहा है यहाँ का सारा पैसा कैसे ब्रिटिश जा रहा है वो भी इन्होंने जो है उसकी बात करी थी तो इसलिए इनकी एसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट है फोर्थ इज ए इंडियन सोसाइटी ये बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी एटीन सेवेंटीज में ठीक है उसके बाद है आपकी इंडियन एसोसिएशन ये प्री कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ठीक है यहाँ पे इसको स्टार मार देना मोस्ट इम्पोर्टेंट थी ये बनाई थी एटीन सेवेंटीज में बनी थी ये थी इनके लीडर थे आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन कैलकाटा ठीक है कैलकाटा में थी तो काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थी प्री कांग्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके बाद हो गया आपका थ्री फोर फाइव फिर है आपका नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण जनिक सभा ये थी एम जी रनाडे शिपलुंकर, वीवी जोशी ठीक है फिर हो गया आपका एट मद्रास महाजन सभा

फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फेरोशा मेहता बद्रुद्दीन तैयब जी के टी टिलम इनको बॉम्बे ट्रायल भी बोला जाता है बॉम्बे ट्रायल ठीक है ये नाइन इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो है आप याद रखोगे ठीक है एंड हम एक क्विकली देख लेते हैं हमने कौन कौन से एसोसिएशन पढ़ी हैं प्री कांग्रेस हमने स्टार्ट किया प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या इनको रीजन ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है वहां से लैंड लॉर्ड सोसाइटी दिवारकरनाथ टैगोर मद्रास नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाबाई नेहरोजी इंडियन सोसाइटी बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कैलकटा में प्री कांग्रेस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके बाद आ गया आपका पूर्ण स्वराजिक सभा स्वराजनिक सुरा, सभा एम जी रनाडे चिपलुंकर वि जोशी मद्रास महाजन सभा जी सुब्रमण्य अय्यर आनंद चार्लू एनियर वीरारा राघवचारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे ट्रायो इनको बोला जाता है फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तयजीन के टी तेलंग ठीक है ये इमोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम है ये या आप याद रखोगे एंड आप मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट जो है वो याद रखोगे और उनके लीडर्स कौन से थे एंड एक्ट ऑफ 1858 को क्या बोला जाता है गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है इसके बाद क्या हो गया था आपका क्राउन रूल हुआ था एंड इसको वी डी सरवारकर ने क्या बोला है आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोला गया है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ऑल्दो इसको म्यूटिनी भी बोला गया था म्यूटिनी ठीक है लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी इन्होंने कहा नहीं इसमें ब्रिटिश जो इंडियंस है वो काफी ज्यादा जो है इंडिपेंडेंस के नजदीक आ गए थे और मतलब वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो इस वजह से इन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप याद रखोगे फाइन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ये हुआ आपका क्रोनोलॉजी के हिसाब से एंड अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है हमें देखना आई एन के फेजेस 1885 में आईएनसी जो स्टार्ट हुआ था एंड इसके तीन फेजेस स्टार्ट हम करेंगे हमारा मॉडरेट फेज से वो नेक्स्ट इसमें करेंगे वीडियो में ताकि आपके लिए ज़्यादा क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज काफी आपको याद रखनी है तो ओवरबर्डन ना हो जाओ आप उसको ध्यान में रखें हमें लेक्चर लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं तो अगर आपको पसंद आया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसे लगते हैं ये वीडियोस ठीक है तो हम जल्दी कोशिश करेंगे हमारा हिस्ट्री कॉम्पोनेट भी कवर हो जाए इसके बाद आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बाकी कॉम्पोनेंट सी तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे